नाम आनंदी फार्म एंड रिसोर्ट, लोकेशन नेरल करजत, और यह है नेरल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के बिल्कुल पास। ये है मुंबई पुणे लाइन, तो सारे मेन ट्रेन यहीं से जाते हैं। और बस इसी के पास स्थित है आनंदी रिसोर्ट के ये खूबसूरत टेंट्स। चारों तरफ हरियाली और ये जन्नत। आइए चलते हैं रिसोर्ट के अंदर। एंट्रेंस में ये दो हाथी स्वागत में, साइड में ये रिसेप्शन, और हम पहुंच गए एक नेचुरल जन्नत में। यहाँ पे ये एक ओपन सीटिंग एरिया और चारों तरफ एक देसी माहौल। मुंबई और पुणे के लोगों के लिए ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है। ये है कमरे का बाहर का लुक और कमरे के बाहर बैठने की व्यवस्था। ये है रिसोर्ट का बैकअप जनरेटर और इस रिसोर्ट में है काफी सारे टेंट्स। टेंट्स के साथ आपको लंच, डिनर, सुबह और शाम का नाश्ता, गेम्स सभी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, और ये बहुत ही सस्ता और पैसा वसूल। सारे खर्चे इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। यहाँ पे जगह जगह ऐसे पीने के पानी का व्यवस्था है और एक छोटा सा स्टोर भी है। माथेरान के फुटहिल्स के हरियाली में ये रिसोर्ट काफी सुंदर लगता है। रिसोर्ट में एक पूल भी है, मगर आइए आपको पहले रूम टूर कराते हैं। ये पूल का व्यू हमारे रूम के बालकनी से। आइए चलते हैं रूम के अंदर। सामने है एक डबल बेड और इधर साइड में एक बहुत बड़ा फूल का गुच्छा। दीवार में एलईडी टीवी, और इस तरफ है इस रूम का मेन अट्रैक्शन। बाथरूम में इंडिविजुअल जैकूजी, और ये पूरा सेटअप देखिए एकदम वर्ल्ड क्लास। इवन ये जो वॉश मशीन है ये भी गोल्ड प्लेटेड लगता है, और यहां से पूरा बाथरूम का लुक एक बहुत ही प्रीमियम। और इस जकूजी के साइड से हमारा रूम का व्यू। बाहर स्विमिंग पूल से तो बेहतर रहेगा कि इसी जकूजी में कूद जाए, इसीलिए थोड़ा पानी भर लेते हैं और देखते हैं हमारे रूम में और क्या क्या है। रूम में इधर सामान रखने का जगह, नीचे एक छोटा सा फ्रिज, और रूम में है एक एसी, एक फैन, और पूरा रूम वुडन का। जो पैसा हमसे लिया जा रहा है उसके हिसाब से ये बहुत ही सस्ता रूम है। आइए बिना समय गवाएं शुरू करते हमारा पहला एक्टिविटी, जो कि है जकूजी। पूल में नहाना ये दूसरे रिसोर्ट का मेन अट्रैक्शन होता है, मगर हमारे रिसोर्ट में इस रूम में मेन अट्रैक्शन है जकूजी में स्नान करना।
नॉर्मल बाथटब में वो मजा कहाँ जो जकूजी में, चारों तरफ से पानी का प्रेशर, एक अलग ही अनुभव। जकूजी में 2 घंटा पैसा वसूल नहाने के बाद हमारा एक्टिविटी नंबर 2 शाम को एडवेंचर स्पोर्ट्स बर्मा ब्रिज। इसमें चाहिए हाथ पैर और माइंड का कोऑर्डिनेशन। एक बहुत ही अच्छा शारीरिक और मानसिक कसरत हो जाता है यहाँ पे। लगभग 20 मिनट से आधे घंटे में ये एक्टिविटी आप खत्म कर सकते हैं और उसके बाद है एक और अच्छा एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी है हमारा आज का एक्टिविटी नंबर 3, जिप लाइनिंग। नीचे घनी हरियाली, बाजू में रेल की पटरी और मौसम सुहाना हो तो चेहरे पे ऐसा मुस्कान तो रहेगा ही। प्रॉब्लम यही है कि दुनिया में जितनी अच्छी चीज है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब हम पहुंच गए एक्टिविटी नंबर 4 में, जो कि है सिंपल स्विंग। बचपन में तो बहुत किए हैं मगर अभी करने में वही पुराना मजा आता है। अब है हमारा एक्टिविटी नंबर 5, बाकी गेम्स। और ये सारे एक्टिविटीज कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बॉलिंग, ये तीरंदाजी और ये शूटिंग। बचपन के दिन के यादें फिर से ताजी हो गई। और आउटडोर गेम्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे इंडोर गेम्स भी है। शाम का नाश्ता आलू के भजिए और कॉफी, और इसके बाद हमारा एक्टिविटी नंबर 6, पूल। शाम को इस पूल का एक अलग ही माहौल रहता है। इनके यहाँ के रेस्टोरेंट की रोशनी जब पूल में पड़ती है ना, तो यहाँ का सीन बहुत ही चमत्कारी। शाम को इस रिसोर्ट का लाइटिंग के कारण बड़ा ही सुंदर माहौल रहता है। मतलब सुंदर कहे या नशीला कहे, आप ही बताइए। यहाँ के हरे पत्तों पे हरी रोशनी एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। चारों तरफ ये रोशनी और ये टोटल खामोशी, और खामोशी यहाँ का टूटता है इस तरह से। ये रहा यहाँ का माहौल हमारे रूम के बालकनी से। शाम को आप ऐसे ही घूम सकते हैं, या फिर पूल में जा सकते हैं, या फिर जकूजी में। और जब इन सारी चीजों से मन भर जाए तो समय है रात के डिनर का। डिनर में भाकरी है, एक पनीर की सब्जी है, एक हरी साग की सब्जी है, और ये है वेज बिरयानी, और साथ में सादा राइस, दाल, कुछ
गर्मा गर्म गुलाब जामुन, पापड़ और नॉन वेजिटेरियन प्रेमियों के लिए चिकन फ्राइड राइस और मटन करी, सब कुछ अनलिमिटेड। नॉर्मली रिसॉर्ट में बुफे में अनलिमिटेड मटन नहीं मिलता है, मगर यहाँ पे इस कॉस्ट में वैल्यू फॉर मनी था ये खाना। और ये सभी के साथ अगर ऐसा माहौल हो तो ये रात हमारी बहुत यादगार रात थी। अगले दिन सुबह नाश्ता अगेन अनलिमिटेड, अंडा भुर्जी, पोहा, शीरा, उसके साथ पाव और ब्रेड टोस्ट भी। चेकआउट 11 बजे और चेकआउट के पहले एक बार वापस पूल में ट्रेन के साथ। और ये रहा इनका कॉस्टिंग वीकेंड्स में और वीकडेज में, कॉस्टिंग 4 मील्स और ऑल एक्टिविटीज मिलाकर है। और ये है कॉन्टैक्ट नंबर जिससे हमने बुक किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।